अब हम लोग देखने चल रहे हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी डिस्टेंस पर होगी। तो फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग वी हैव टू डिफरेंशिएट इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम होती है, जैसे यहाँ ई को एक्स के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम या मिनिमम होना है, तो ई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो होना पड़ेगा। ये मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई अगर जीरो करना है तो डी बाई डी एक्स फटाफट करते हैं, इसको हम के कह देते हैं, के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू इक्वल टू जीरो। तो के बाहर आ जाएगा, क्यू बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स क्योंकि वेरिएबल यही है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाई टू इक्वल टू जीरो। तो ये इधर जाएगा तो जीरो हो ही जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग को यूज करना है, वो क्या है? जो फार्मूला यूज करना होता है वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसका फार्मूला होता है डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। इस फार्मूले को हम लोग यहाँ लगाने चल रहे हैं, क्या होगा? तो ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाई टू का स्क्वायर, और यहाँ इक्वल टू हम क्या कर देंगे, इक्वल टू जीरो। अब डिनोमिनेटर पहले लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर यानी एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर यहाँ थ्री बाई टू भी है, थ्री बाई टू बराबर जीरो। तो अब ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई, ये डिनोमिनेटर इधर जाएगा जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन हो जाएगा माइनस एक्स, इसका क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा थ्री बाई टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू माइनस वन, और फिर एक्स के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर होगा, अब वो हो जाएगा टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू माइनस, यहाँ ये टू है, इस टू से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थ्री बाई टू में से वन घटेगा तो हो जाएगा वन बाई टू इक्वल टू जीरो। हमें एक्स एक्स है वो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स ना होगा क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाई टू। अब हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाई टू इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ, ठीक है ना। तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा क्यूब, ये हो जाएगा नाइन एक्स की पावर फोर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इससे यहाँ एक कट जाएगा तो ये हो जाएगा अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा बराबर नाइन एक्स की पावर फोर। जब ये कट एक एक कटेगा तो यहाँ थ्री की जगह टू हो जाएगा। तो अब फिर रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, है ना, टेकिंग रूट, टेकिंग रूट स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर में ही गया एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाय टू, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस आर अपॉन रूट टू। इसका मतलब क्या है, आर बाय रूट टू दूरी पर सेंटर से एक्स की वैल्यू आर बाय रूट टू
प्लस साइड में होगी तब भी मैक्सिमम होगा, माइनस साइड में होगी तब भी मैक्सिमम होगा। और तब फिर जो इसका ग्राफ बनेगा, इसका मतलब है कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ये है, ये हमारा एक्स है, तो ये अगर मान लेते हैं आर बाई रूट टू इधर प्लस में है, इधर क्या है माइनस आर बाई रूट टू, इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम होगा, सेंटर पे क्या था मिनिमम, तो सेंटर पर मिनिमम था तो ये मैक्सिमम, फिर क्या होगा आगे फिर मिनिमम, ये इस पॉइंट पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रिंग का वो आर बाय रूट टू प्लस में और आर बाय रूट टू माइनस पे ये मैक्सिमम होगा, इसके बाद फिर ये घटेगा। जैसे यक्स है तो यहाँ यक्स ये जीरो पे जीरो है तो फिर आगे भी कहीं जाकर फिर जीरो होगा, लेकिन मैक्सिमम कहाँ होगा आर बाय रूट टू, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसको हम लोग कर चुके हैं।